अक्षय कुमार ने मालदीव वेकेशन पर उड़ाया पत्नी का मजाक। साल 2023 अक्षय के लिए नहीं रहा खास। 2024 में अक्षय लेकर आने वाले हैं कई बड़े प्रोजेक्ट्स। बॉलीवुड के ज्यादातर सेलेब्स ने नए साल का जश्न विदेश में मनाया। ऐसे में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना भी अपने बेटे आरव और बेटी नितारा के साथ मालदीव में मस्ती करने पहुँच गए, जहाँ से अब ट्विंकल खन्ना का एक वीडियो सामने आया है जिसमे अक्षय कुमार पत्नी का मजाक उड़ाते हुए दिख रहे हैं। ट्विंकल खन्ना ने फैमिली वेकेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है जिसमे एक्ट्रेस साइकिल चलाते हुए दिख रही है। इस बीच तीन टायर वाली साइकिल होने के बावजूद भी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सामने लगे एक खंबे से टकरा जाती है। ट्विंकल की इस हरकत को देखकर अक्षय कुमार की हंसी छूट जाती है। उन्होंने पत्नी का खूब मजाक उड़ाया। हालांकि वीडियो में अक्षय कुमार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी हंसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। वहीं बात करें अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की, तो उनके लिए साल 2023 कुछ खास नहीं रहा। उनकी ज्यादातर फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। सिर्फ ओ माई गॉड 2 ने ठीक ठाक बिजनेस किया। हालांकि OMG 2 में वो सपोर्टिंग रोल में दिखे। साल 2024 में अक्षय कुमार कई प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं। साल की शुरुआत वह बड़े मियां छोटे मियां के साथ करेंगे। इसके बाद उनके खाते में स्काई फोर्स, वेलकम टू द जंगल, हाउसफुल 5 और हेरा फेरी 3 का नाम शामिल है। बड़े मियां छोटे मियां में अक्षय कुमार के साथ टाइगर श्रॉफ भी लीड रोल में है। फिल्म ईद के मौके पर मई 2024 में थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए वाया टॉक को अभी सब्सक्राइब करें।